तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया, मैं मूर्ख किछ दीजै प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा। डुबदा पत्थर लीजै क्या जाना किव मरहेंगे, कैसा मरना हुए जेकर साहिब मनहु ना बीसरै ता सहला मरना हुए। मरना ते जगत डरै जीविया लोड़ै सब कोए, गुर प्रसादी जीवत मरै ता सब जी हुक्मै बूझै सोए। नानक ऐसी मरनी जो मरै तां सद जीवन होए। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। श्लोक महला पंजवां। रात ना विहावी साकतां जिन्ना विसरै नाओ, राती दिनस सुहेलिया नानक हर गुण गाओ। साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन हजूरी अंदर सुभायमन गुरु प्यारे सत्संगी जनों, आप जिन्हें भी गुरदरबार विच मौजूद हो, जिन्हें घर बैठे सरवण कर रहे हो, आओ सच्चे पातशाह हजूर श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की उच्चारण कीतियां हुई पौड़ियां नाल धन गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी महाराज, सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी ते गुरु अर्जुन साहब जी के सलोक, ये सारे जेड़ा मजमून गुरु अर्जुन साहब जी ने तैयार किया इस पौड़ी का मलार की वार है जी। इहदी विचार चल रही है, आप सारिया संगतां ने तेरह पौड़ियां तक विचार सरवण की है। अज तो समा 5 मिनट पहला हो गया है जी, 7:55 तो रोज़ हुण विचार शुरू होएगी और ये विचार 8:45 तक ही है जी। बख्शो असीस गज बज के गुरु बख्शी फते सांझी करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु अर्जुन साहब महाराज जी दे सलूक अज दे मजमून दे नाल सतगुरु जी बख्शिश करते हैं। रात ना विहावी साकता जिन्ह विसरै नाओ। महाराज कहिंदे जिन्हों बंदगी इबादत धन गुरु नानक साहब महाराज जी का चेता ही नहीं होया, सिख कहा कि उन्हां दी जीवन रात किन्नी डरावनी होएगी, किन्नी दर्द भरी, किन्नी दुखां भरी होएगी। ये तो इन्ने दुख भरे ने कि जिस तरह राती नींदर बड़ी आई होए पर रात बतीत ही ना हो रही होए, भाव की अख ही ना लग रही होए, कि जब बहुता शरीर नूं थकेवा होए तो नींद ही ना आए, किड्डा क दुखी होंदा शरीर। बस इउं समझो कि संसार की रात किवें बतीत होए, बंदा सुख तो लोचदा है कि मैनूं सुख मिल जाण पर उस सुख माण ही नहीं सकता। साकत की जिंदगी इस तरह जिस तरह उहदी जीवन की रात नहीं बीतती, राती दिनस सुहेलियां नानक हर गुण गाओ, तो प्रभु दे गुण गाउंदे आ जिन्हां दे जीवन की सारी रात बतीत होंदी है, उन्हां दा जीवन धन हुंदा है और सुखां वी रात वह बतीत करके जांदे ने, भावें किसी भी रूप दे विच उन्हां ते औकड़ा आउण जे। महला पंजवा रतन जवे हर माण का, हबे मणि मथन नानक जो प्रभ पाणिया सच्चे दर सोहन। प्रभु दा भाणा मनण वालियां दा चेहरा दस दिंदा कि उन्हां दे अंदर पार ब्रह्म परमेश्वर दी रजा टिक गई है। भाणा ते रजा थोड़ा जा फर्क है, भाणा हुक्म उहदी रजा इहदे विच फर्क समझियो। भाणा ते हुक्म इक्को ही चीज़ है जिहड़ा वरत रहा है, सब ते वरतना है,
पर रजा ते रजाई दा अर्थ पता की है? जद कोई खेड़े मथे उदे हुक्म ते भाणे नू कबूल करदा है उस अवस्था नू रजा कहिंदे है, उस अवस्था नू रजाई कहिंदे है, जिन्हों क्या हुक्म रजाई चलना। हुण हुक्म भी ते रजाई भी कट्ठा आ रहा है, ते असी कदी मन च सोचिया नहीं कि हुक्म दे भी ओही अर्थ ते रजा नहीं, उहदे हुक्म नू जिहड़ा खेड़े मथे मान लैंदा है वह रजा दे विच है। बड़ा सूक्ष्म जिहा भेत है, हुक्म ते रजा दोनों है, ये अरबी फारसी दे अखर ही, पर रजा दे विच जिहड़ा खिड़े मथे कबूल करे। महाराज कहिंदे जिहड़ा उहदे हुक्म नू मंनदा है, महला पंजवां रतन जवेहर माणका, कहिंदे जिहड़ी चमक जिहड़ी कीमत रतना दी जवेहरां दी माणका दी हुंदी है, बस समझो हुक्म मन्नण वाले दे हब्बे हब्बे कहिंदे सारे हब्बे मणि मथन उहदे मस्तक ते ऐसा चानण है, ऐसा तेज है, जिहड़ा तेज मणि ते जवेहरां माणकां दा हुंदा है, उना दे मत्थे तो गुण प्रगट हुंदे है। नानक जो प्रभ भाणिया सच्चे दर सोहन, जिहड़े रजा दे विच भाणे विच अपनी जिंदगी बतीत करदे ने ओह प्रभु दे दर ते शोभदे ने, शोभा प्राप्त करदे ने। पौड़ी सच्चा सतगुर सेव सच संभालिया अंत खलोआ आए जे सतगुर अगै कालिया। सिख कहाउण वाले ओह ने जिहड़ी अपनी मैं वाली बंदगी ना करन। गुरु नानक साहब कहिंदे इस धरती ते बड़े बंदगी करन वाले ने पर सारियां दी घालना नहीं है, इस करके वडभागे हाँ कि सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई है। बंदगी करन वाले इबादत तप साधन वाले हट योग करन वाले बहुत ने, पर उन्हां दा कीता होया एक तिल भी घालना नहीं पैंदी। क्यों घालना तां पैंदी है गुरु के सिखा जी गुरु दे सन्मुख होके तू घाले तप भाव गुरु दे राहे ते तुर के, जिहड़ा गुरु कह रहा है जे वह कमा के तू बंदगी कर रहा फिर महाराज कहिंदे तेरा घालिया होया सब प्रमाण है। पौड़ी सच्चा सतगुर सेव सच संभालिया सच्चे सतगुर जी की दसी हुई घालना सेव इनू सच समझ ते इनू ही हिरदे च संभाल अंत खलोआ आए जे सतगुर अगै घालिया। अगै घालिया मतलब सतगुर नू सन्मुख रख के सतगुर दे भाणे नू मन के गुरु की रजा गुरु की गल मन के जो गुरु ने कहा वह तू मन लिया। फिर महाराज जी कहिंदे है कि फिर सो सिख सखा बंदप है भाई जे गुर के भाणे विच आवे अपने भाणे जो चले भाई विछड़ चोटा खावे। ये हाल है महाराज कहिंदे जी गुरु दे सन्मुख घालिया वह प्रवान है प्रभु अंत वेले सहाई है जी। उप हो ना सकै जम काल सच्चा रखवालिया गुर साखी जोत जगाए दीवा बालिया। गुरु फिर रखवाला हो जाता है प्रभु, पोहे नहीं पढ़ना इनू पोह ही पढ़ना है। हाहे दी सिहारी का उचारण इन्ना को होएगा। पोह ना सकै जम काल उनू जम आके फड़ नहीं सकता। सच्चा रखवालिया उहदा रखवाला कौन हुंदा है? रखवाला गोबिंद राय भगतन की रास बिगना को लागता गुर पै अरदास। फिर ओ अरदास ओ अरजोई गुरु अगे करदा है गुर साखी जोत जगाए। एक साखी है जिहड़ी साक्षात वापरी हुई जिन्हों असी साखियां कहिंदे ने, जिहड़ी वापरी है ते असी उहनां नूं सुणाउंदे आ कि साक्षात वापरिया कहानी तौर दे विच जां जिहड़ी वापरी हुई घटना है। एक साखी का अर्थ है सिख्या, जिहड़ा अपने हिरदे विच गुरु की दसी हुई सिख्या नूं बसाउंदा है उहदे हिरदे विच गुरु के शब्द की जोत जगदी है। दीवा बलै अंधेरा जाए विकारां दा हौमै दा होर सारे जिन्ने भी वहम भरम ने उहदे हनेरे कट जांदे ने जी। मन मुख विण नामै कूड़ियार फिरै बेतालिया पशु मानस चम पलेटे अंदरों कालिया। मन दे पिछे तुरन वाले भाव बंदगी भी करी जान कहन कि असी ये भी कर रहे हैं ये भी कर रहे हैं, पर मन दे पिछे तुरन वालियां दी बंदगी प्रवान नहीं। गुरु दा कहया कमा लिया फिर तिल भी महाराज कहिंदे प्रवान है। मनमुख विण नावै कूड़ियार नाम इत्थे है हुक्म, नाम इत्थे है गुरु दी रजा गुरु का भाणा गुरु का कहा होया। जे इस तो बिना की जा रही है महाराज कहिंदे कूड़ियार है वह प्रवान नहीं फिर बेतालिया
ਪਸ਼ੂ ਮਾਨਸ ਚੰਮ ਭਲੇਟੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਮ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਸ਼ੂ ਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਚਿੱਟਵੀਆਂ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨੋਂ ਕੁਸੁੱਦਾਂ ਕਾਲੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਭੋ ਵਰਤੈ ਸੱਚ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਹਾਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਦੇ ਖਾਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਿਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਭੋ ਵਰਤੈ ਸੱਚ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਦੇ ਖਾਲਿਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਸੱਚਾ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਲੋਕ ਮੈਂ ਲਾ ਤੀਜਾ ਬਾਬੀ ਹੈ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣਿਆ, ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ ਮੇਘ ਵਰਸੈ ਦਇਆ ਕਰ ਗੂੜੀ ਛਹਿਬਰ ਲਾਏ। ਸਾਰੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ 21-21 ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਨੇ, 15ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਬਾਬੀ ਹੈ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣਿਆ, ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਾਬੀਹੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ, ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਭਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਸੋਹਣਾ ਸੁਹਿਰਦ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਭਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ। ਮੇਘ ਵਰਸੈ ਦਇਆ ਕਰ ਗੂੜੀ ਛੈਬਰ ਲਾਏ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾ ਧਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੀਂਹ ਵਰਸਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਟੋਬਿਆਂ ਦਾ ਜਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਸੁਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਕਿਸੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਧੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਬੀ ਹੈ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਦਿੰਦਾ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ 'ਚ ਕੱਟ ਲਓ ਜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕੱਟ ਲਓ। ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ 'ਚ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਰਕੇ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਬੀਹੇ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਤਰਾਹੇ ਤਰਾਹੇ ਚੀਕ ਚਿੰਗਿਆੜਾ ਮਨ ਵਾਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਿਕਵੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜ਼ਾਈ, ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਭਾਵ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਬੀਹੇ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਸੁੱਖ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ, ਮਨ 'ਚ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਸਦਾ, ਸੁੱਖ ਵਸਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਗਿਆ ਵਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਘੜੀ ਘੜੀ ਪਲ ਪਲ ਚਸਾ ਚਸਾ ਕਰੀਏ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਾਲ ਆਈਏ, ਜੇ ਦਿੰਦਾ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਕ ਸਮਾਏ, ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੇ। ਪਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਣਹੀ, ਜਪੋ ਜੀ ਕਿਆ ਤੁਧ ਵਿੱਚ ਤਿਖਾ ਹੈ, ਹਿਤ ਪੀਤੈ ਤਿਖ ਜਾਏ ਦੂਜੈ ਪਾਏ ਭਰਮਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਤੇ ਹੋਏ
कि असी गुरु कोल आ क्यों रहे हाँ, किसे जीवन दे पदार्थां दी ही ते भी अंदर तलब है, प्यास है। आओ कदी इत्थे बैठ के सच्ची प्यास जानिए। बिरहा बिरहा आखी है, बिरहा तू सुल्तान, फरीदा जित तन बिरहो ना उपजै, सो तन जान मसान। किथे ये तन अंदरों मसाणा दी तरह ते नहीं है, सुन्ना ते नहीं रह गया, क्योंकि नाम तो बिना तृष्णा नहीं मिटेगी। चात्रिक तू ना जानही, हे मनुख तू जान तां सही, क्या तुझ विच तिखा है, कित पीता है तिख जाए, कि केड़ा अमृत पीजिए कि जिदे अंदरों दुखां दा अंदर जंजाल खत्म होए ते तृष्णा दी अग शांत होए, की पीता जाए। इस करके जित पीता है मत दूर होए, बरल पवै विच आए, अपना पराया ना पछाणे, खसमो धक्के खाए, ओ मद मस्त नहीं पीना। गुरु के सिख ने जिस पीण दे नाल विकार पैदा होण, पर ओ पीना जिस पीण दे नाल, जिस पीण नू पाठी पवन प्रेम का पोचा, इतरस अम्यो चुवाइए, ओ अंदर चोए केड़ा। गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान पिया, गुरु की सिख्या नू अंदर घुट भरीए, वो अंदर जाए वो प्यास बुझाएगा, वो केड़ी प्यास बुझेगी, केड़े अमृत नाल दूजे पाए भरमिया, अमृत जल पल्ले ना पाए, दूजे पाए भ्रमदे रहिए, होर पासे तुरिए रहिए। महाराज कहिंदे फिर ये मन की भटकना भरम तृष्णा दूर नहीं होंदे जे, नदर करे जे अपनी, जपो जी तां सतगुर मिले सुपाए, नानक सतगुर ते अमृत जल पाया सहजे रहया समाए। नदर करे जे अपनी तां सतगुर मिले सुपाए, जद नदर करदा है वाहिगुरु ते सतगुरु मिलदा, ते नानक सतगुर ते अमृत जल पाया सहजे रहया समाए। अमृत ये नाम अमृत गुरु तो मिलेगा, गुर अमृत भिन्ने देहोरी, अमृत बुरके राम राजे। जद जपजी साहब पढ़ते हो, गुरु नानक साहब अंदर अमृत त्रिपोकते ने तुहाडे, जे इस भावना च पढ़ो अंदर दी अमृत वर्खा करते ने, ते जे जाप पढ़ते हो तो गुरु गोबिंद सिंह साहब दे अमृत दी वर्खा होंदी। जे किथे शामी बैठ के सोहला पढ़ते हो तो गुरु रामदास का बचन, गुरु रामदास काम क्रोध नगर बहु भरिया, मिल साधु खंडल खंडा है, पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव, मंडल मंडा है कर साधु, अंजुलि पुन बड्डा है कर नंडौत। अंतम बचन देखो, हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ बड़। आ है भावना कि गुरु तो जे अमृत प्राप्त करना है, क्योंकि गुरु सच्चा शाह है, गुरु अमृत देने वाला है, गुरु अमृत बुरके राम राजे है, गुरु की देही भी अमृत है, गुरु का जीवन भी अमृत है। इस करके नानक सतगुर ते अमृत जल पाया, गुरु नानक साहब तो ये दात मिली, सहजे रहा समाए, चिथे ना पवो, इत्थे आके ऐ ना अडोल हो जाओ कि नहीं जी नहीं, अडोलो ना कि किवें होएगा कद होएगा, बस सहज रूप च टिके रहो, सतगुरु जी की कृपा ये अमृत जल प्राप्त होंदा है जी। पौड़ी एक वनखंड बैसह जाए, सदना देव ही एक पाला कक्कर पन, शीतल जल हे वही। ये अमृत कितों नहीं मिलना, गुरु अमरदास जी नू पढ़ो, सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत, सुर देवते नर मनुख जन किन्ने सारे ये अमृत नू खोज रहे ने, सारे खोज रहे ने, पर ये मिलिया नहीं किसी नू। एक वन खंड बैसह जाए, एक जंगलां विच खंडा पतालों में भाव खड्डा च बह जाते जाके, सद सद ना देव ही, महाराज कहते बिल्कुल मौन धार रेंदे, आवाज़ भी नहीं कटते, मौनी हो गया सी। एक पाला कक्कर भन शीतल जल हेवी, कोई पहाड़ा दे टीसिया ते बह गए बर्फा ते, पाला कक्कर ठंड बर्फा नू भनदे ने, ते उन्हां पानिया दे विच शनान करदे ने कि खरे रब की प्राप्ति हो जाए। ये नाम अमृत ये ऐसी बंदगी जिहड़ी अमर कर दे ओ मिल जाए, पर नहीं मिलदा जे। एक भस्म चढ़ावे अंग मैल ना धोवही, एक जटा बिकट बिकराल कुल कर खोवही। फिर सतगुरु जी अगे बख्शिश करते ने कि कई ऐसे ने जेड़े गुरु तो बेमुख ने, प्रभु तो बेमुख ने, एक भस्म चढ़ावे अंग मैल ना धोवही,
मलीन होए फिरदे ने, मुश्क मारदा पिंडा पसमड़ी मली हुई है। एक जटा बिकट बिकराल, जटा बड़े कुछ है, यही तो भटा ने जिक्र किया ना कि इस धरती ते किन्ने कुछ सन, कहिंदे जाको जोगी जती फिरत किन्ने फिरदे सन, पर किसी नूं नहीं मिला। कबहू को पावे आत्म प्रगास को, कद को पाउंदा है, भावें पहाड़ां च अपनी उम्र गाल दो नहीं मिलता। ये तो किसी विरले नूं मिलता है भाई, जिहदे उत्ते गुरु की कृपा होए। एक जटा बिकट बिकराल कुल घर खोवई, अपनी कुल भी गवा बैठा ते घरां तों भी छड़ के पहाड़ां दी कंदरां च जटा धारनियां चेहरा नहीं पछाणिया जांदा। एक नगन अगे सरवण करो जी, एक नगन फिरे दिन रात नींद ना सोवही, एक अगन जलावे अंग आप भी गोवही। एक दे कक्के नू सियारी है, कई इस तरह दे ने जेड़े नगन ही फिरदे ने ते रात दिन सोण दा जतन नहीं करदे, नींद भी आउंदी है ते अखां खोल के रखदे ने, कहिंदे सोई ही ना सी, इन्ना हट तप करिए। एक अगन जलावे है अंग, एक धूणियां बाल बाल के अगे बह जांदे है कि खरे इवें अंदरों मन टिक जाएगा। आप विगोव ही अपने आप नूं साड़दे ने, खुआर करदे ने जे। विण नावे तन चार क्या कह रोवही, सोहन खसम द्वार जे सतगुर सेवही। विण नावे तन चार, हुक्म तो बिना, नाम ही हुक्म है, गुरु दी रजा है, प्रभु दा ए रजा तो बाहर है गया। महाराज कहिंदे इवें थोड़ी मिलना है, ये सारा कुछ जाको जोगी सिद्ध साधक अनेक तप किन्ने सारे ने, जाको जोगी जती सिद्ध साधक अनेक तप, जटा जूट फिरत उदास को किन्ना सारे ने, मोन तुरी फिरदे ने। सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा धारी जी, नाम की बड़ाई दई गुर रामदास को। ये वडियाई गुरु कोल है, बिण नामै तन छार क्या कह रोवई, हुक्म मन्ने बिना तन प्रवान नहीं है, मिट्टी होएगा। सोहन खसम द्वार जे सतगुर सेवे ही, जे गुरु राही प्रभु दे हुक्म नूं पछातिया जाए, पछाणिया जाए, फिर शोभा है, फिर ये सारा कुछ करन दी लोड़ नहीं। तप तद साध ले जिन्हां लोकां ने साधने सी सैकड़े साल, सोखी कमाई है भाई, ग्रिस्त कमाओ, सुची सच्ची किरत करो। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे सन्मुख अपना आप तन मन समर्पित करो, गुरु वाले हो, गुरु दे हुक्म विच तुरो, रहत कमाओ। महाराज कहिंदे सारी खुशियां सारी शोभा गुरु तो प्राप्त हुंदी है जी। श्लोक महला तीजा, बाबी हा अमृत वेले बोलिया, तां दर सुनी पुकार, मेघै नो फुरमान हुआ, वरसो कृपा तार। सारे शब्द तकरीबन असी शुरू किया छेवीं पंजवीं छेवीं पौड़ी तो, बाबीहा का ही उदाहरण सतगुरु जी लै रहे हैं, गुरु अमरदास जी। बाबीहा अमृत वेला बोलिया, ये सोलहवीं पौड़ी के नाल दे मजमून सलोक, कि जे कोई गुरु का सिख साबा ही साला, जिनी त्याया एक मन सही पूरे शाह, वक्त है उपर लड़ूए। भाई सारा वेला अमृत वेला हो सकता है, पर सिख लई अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार ए है जी। झालांगे उठ नाम जप निसबासुर आराध, अमृत वेला है भाई, ये वेला है। ये सवेरे भी दास ने बेनती की सी, कल भी बेनती की सी कि जिस वेले रात दा सवेर नाल मिलाप हो रहा होंदा ना, जे उस वेले कोई बैठ जाए ते अंदर दे हनेरे दा चानण दे नाल भी मिलाप हो सकता है, अंदर दा हनेरा भी खत्म हो सकता है, जिवें रात दी हनेरे दा मिलाप चानण दे सवेर नाल हुंदा है। इस करके महाराज गुरु अमरदास जी कहिंदे, सिखा जे तू अमृत वेले उठ के कूप पुकार करदा है, तू ही ध्यौंदा है, जप पढ़दा है, जे जाप पढ़दा है, जे गुरु दे सन्मुख आनंद गावदा है, ते उस दर ते तेरी पुकार सुनी जाएगी, ते फिर रब कृपा करेगा, इस सारी कुदरत नूं हुक्म करेगा कि जिथे जिथे हुण मेरा भगत वरतदा है, तू उथे उथे अपनी कृपा दी छैबर वरता, तू उहदे नाल है। मेघै नो फरमान होआ, बदलां नूं भाव
कुदरत रूपी नाम नूं फरमान होया वरसो कृपा धार मेरे सिख दे हिरदे च नाम रूपी वरसो जी। हों तिन कै बल हारण जिनी सच रख्या उर तार नानक नामे सब हरियावली गुर कै शब्द विचार। फिर अगे कृपा कीता कि कृपा करदे ने मैं उन्हां तो बलहार जांदा गुरु अमरदास जी कहिंदे जिन्हां ने इस वेले नूं सांभिया अमृत वेले नूं सांभिया। इत्थे बहुत सारियां बख्शिश भरियां रूहां आउंदियां ने जिहड़ी सवेरे सवेरे चार बजे आके गुरु गुरु जप जाप सतगुरु जी दी बाणियां इत्थे सवैये चौपाई आनंद साहब नेम निभा के फिर अपने संसारिक ते दुनियावी नेम शुरू कर दे। बलहार जाइए कई गुरु के सिख घर बैठ के ये वेला सांभदे ने सांभीए असी वेला ये वाला ये फिर मुड़ के ये उम्र भी नहीं मिलनी ये हिम्मत भी नहीं मिलनी ये मौका भी नहीं मिलना ये जड़ियाँ छैबरां लग रही जे ये नाल कीता जाए तो फिर सोने ते सुहागा है भाई फिर इस तो वधिया की होएगा। शामी तुसी आ बाणी पढ़ रहे हो अमृत वेला तुसी अपना निजी संभालो ते गुरु बड़ी कृपा करेगा। महाराज कहिंदे जिहड़ा करदा है हाँ तिन कै बलहारण है जिनी सच रखिया उर धार उन्हां दे हिरदे हिरदा बोहल नाम नूं इकट्ठा करना शुरू कर दिंदा है। जिहड़े सवेरे टिक के ते आउंदे ने नानक नामे सब हरियावली गुर कै शब्द विचार हौली हौली उन्हां दे हिरदे विच गुरु दे शब्द दी विचार टिकदी है जीवन बणदा है ते उन्हां दा जीवन हरियावला रोम रोम हरियावला हुंदा है जी। महला तीजा बाबी हा इव तेरी तिखा न उतरै जे सौ करहे पुकार नदरी सतगुर पाई है नदरी उपजै प्यार नानक साहिब मन वसै विचों जाहे विकार। महला तीजा बाकी ते फिर भावें जद भी असी त्या रहे हैं त्याई जाइए अपनी मर्जी ना जी गुरु दी नहीं मननी ते फिर ठीक है। बबीहा इव तेरी तिख ना उतरै जे सौ करहें पुकार फिर सौ वारी पुकार करी जाइए। गुरु दा हुक्म भी ते मनीए गुरु ने जड़ा हुक्म कहा कि चिड़ही चौकी पहु फुटी बगन बहु तरंग अंदर मन दे अंदर एक तरंग उठती है अमृत वेले दे विच सारी कायनात उस वेले अमृत वरसारी होंदी है कायनात शांत होंदी है सब कायनात मिलाप दे विच वस्त वन त्रिण मिलाप दे लई उत्सुक होंदा है हनेरे तो चानण तक दा। जे भाई उस वेले बह जाइए तो बड़ी कृपा वरतदी है नहीं तो महाराज कहिंदे बहुत पुकार करदे तरले लैंदे है नदरी सतगुर पाई है नदरी उपजै प्यार पर नदर ते तां होएगी जे गुरु दी गल मनीए फिर नदर नाल ही गुरु दा प्यार पैदा वाहिगुरु दा प्यार उपजदा है। नानक साहिब मन वसै विच्चों जाहे विकार जिंदगी दे विच बिंदे बिंदे करके हौली हौली करके विकार जांदे रहिंदे है मन विच सच्चे शाह साहिब प्रभु दा प्रेम वसदा है जी। पौड़ी इक जैनी उजड़ पाए तुरों खुआया तिन मुख नाही नाम ना तीरथ नाए आ। फिर इस तरह थोड़ी है कि अज असी कह दिए कि भाई हजे ते उम्र ही नहीं कुछ हजे ते काम करिए कार्य करिए सब कुछ करिए विकार भी भोगिए रज के नशे नुशे भी कर लिए ये जग मिठा ते अगे किन्ने डिठा फिर देखांगे जद बुजुर्ग होवांगे ते कर लांगे। आ सरेवड़ियां दा काम सी ये जैनियां दी मर्यादा है कि भाई 50-60 साल जो करना कर लो फिर बाद चे असी जैनी बन के सरेवड़े बन जाएंगे फिर असी कर लांगे। महाराज कहिंदे फिर ओदा की कि पहला रज के पाप करके पैसा कमाया पापा बाजू होवै ना ही मोया साथ ना जाए तो फिर उस तो बाद कह दिता कि जी मैं सब कुछ छड़ के मैं त्यागी हो रहा। महाराज कहिंदे फिर ये कादा जीवन भाई स्वाद ते तां सी कि तू जीवन दे विच पहले ही त्यागी होंदा पहले दिन तो ही कि उहदे विच रहिंदिआं तू निर्लेप होंदा तेरे मन च कदी ख्याल ही ना आंदा कि हजे ते रज के कमाईए बाद च देखांगे नहीं। एक जैनी उजड़ पाए पहला तो सब कुछ कर लिया फिर उजड़ पै गए ये नहीं जी हुण करांगे। महाराज कहिंदे रोज़ करो भाई नित करो थोड़ा अमृत वेला गुरु नूं दिओ ये गुरु लई कढो अपने जीवन लई कढो
अपने आप लिए कड़ो। एक जैनी उजड़ पाए धुरों खुआया, फिर वह तो खुआर ही होंगे रब के दरों भी। सरेवड़े तीन मुख ना ही नाम ना तीरथ ना आया, फिर वह नाम वस्ते थोड़ी होंगे। कईयों तो यह होंगे है कि असी वड्डा समागम कराइए साड़ी शोभा हो जाए, दुनिया आके सानू पूजे, वाह 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 खरबा पति सी ते हुण त्यागी हो गया। महाराज कहते फिर ये नाम कित्थे रहा, ये तो गल तो सारी हो गई कि मैं हो गया जी, मैं सब कुछ त्या ना पाई। त्यागी तो ऐसा होए तो पता ही ना होए किसी नूं, ऐ त्यागी होए लुकिया होया गुरु का सिख, सब कुछ कर रहा, कारज भी कर रहा, तो अंदरों त्यागी भी है। उन्होंने मुख से नाम नहीं वसदा, ना ही हिरदे रूपी मन रूपी तीरथ वो नहाउंदे ने जी। हथी सिर खोहाए ना पद कराया, कुचल रहे दिन रात शब्द ना पाया। परिवार परवूर छड़ दिता मर्यादा जी, हुण ते मरने परने ते भी नहीं आ सकते। जिहड़े बन गए ना सरेवड़े, फिर उहनां दी ये करड़ी जीवन जाच होंदी है कि भावें पिता मरे ते भावें माँ मरे, वह हथों लांबू भी नहीं ला सकते। बस हुण असी हो गए सरेवड़े ते हो गए ना, असी फिर हुण तेरह जोगे ते ना तीन जोगे। महाराज कहते एक आदा जीवन होया भाई, परिवार दिते रब ने सोहने परिवार, शुरू तो लैके अंत तक निभाओ, परिवारां विच प्यार वंडो, आपसी इतफाक बनाओ। एक आदा जीवन होया हथी सिर खुआए कि वालां नूं पट्टी जाना बह बह के, की होएगा जी, रब खुश होएगा जे हथों वालां नूं पट्टांगे। ये दो ने इहदे विच किसी धर्म दी किसी, देखो ताइयों ये कई तरह के धर्म बिल्कुल खत्म ही हो गए है, बिल्कुल इस धरती तो उन्हां दी पॉपुलेशन ही घट गई है, क्योंकि बड़ी तशद्दत ने। श्वेतांबर ते दिगंबर, जिहड़े दिगंबर ने उन्हां दी रहत बड़ी करड़ी है, वो वाल नहीं कटा सकते, उन्हां नूं वाल रखने भी नहीं है, कि जे कटाउणे भी नहीं, पद भी नहीं कराउणा ते रखने भी नहीं है। फिर किवें कहिंदे, फिर पटने पैंदे हत्थां नाल वाल। ये असी शब्द पढ़ आए हाँ, असी शुरुआत दे विच सारा वार माज की वार अगे पढ़ चुके हैं सब कुछ, सो ये दोबारा विचार की लोड़ नहीं है। इन्ना धक्का क्यों करना भाई शरीर नाल, कुचिल रहे दिन रात शब्द ना पाया, कुचील ही फिरदे ने। परिवारां दे विच रहो, सुख माणो, आनंद करो, साच ना मेरा मन लागा, लुगन स्यो मेरा ठाठा बागा। महाराज कहिंदे फिर कुचील ही रह के जीवन बतीत करना है। फिर तो बथेरे पशु पंछी ने जिहड़े जंगलां च भौंदे फिरदे ने, उन्हां नूं भी रब नहीं पाउंदा, ते तुहानूं भी रब दी हुकम नूं, शब्द इत्थे हुकम है वाहिगुरु जी दी रज़ा, ए नहीं पाया जी। तिन जात ना पत ना कर्म जन्म गवाया, मन झूठे वे जात झूठा खाया। फिर दी रहनी पैनी है भाई, तिन जात ना पत ना कर्म, ना कोई जीवन दे कर्म कीते, ना जात पात भाव, ना कोई जीवन दियां मर्यादावां निभाइयां, सारा जन्म एवें गवा लिया। मन झूठे वे जात झूठा खाया, ते फिर जे मल करना तो उन्हों भी हाथों नाल फरोल देना, पानी नू वेख के शर्म करनी कि मूँह ते कपड़ा कि कोई कीटाणु ना मर जाए, फिर जूठा ही खा लेना। ये कादा जीवन होया भाई, सुहिरद जीवन जाच बनाइए, ये सब नू सानू भी है। अच्छा दूसरे रूप दे विच असी इनू सिख तौर ते देखिए, साडे अंदर जे माड़े कर्म मैल भर जाएगी ना, असी मैल भरे दुह चारिया हो गए, फिर अंदरों काले हो गए, फिर असी गुरु नहीं पावांगे, फिर साडा जीवन भी कुचील ही है दिन रात। सानू शब्द चंगा नहीं लगेगा, मन सदा ही झूठा है, मन सदा ही बेकारी है, मन सदा ही कामी है। फिर महाराज जी कहिंदे है ये झूठ दे विच ही जीवन बतीत करदा है मन जी। बिन शब्द आचार ना कि नहीं पाया, गुरमुख ओंकार सच समाया। इन शब्द है आचार किन नहीं पाया, शब्द सचो और है सबको ऊपर सच आचार। भई रब तुहाडे जीवन विच्चों प्रगट होना चाहिए, रब इन्ना मैला नहीं है, रब इन्ना मुश्किया नहीं है, रब इस तरह की करड़ी रहनी च नहीं है, रब खुशी खुशी वंडन वाला है, सुख वंडन वाला है। ऐ मुरझाए जे चेहरे लैके, ऐ अखां दे विच होर जा डाढ़ा पुणा लैके, जे असी भगत हैगे हां, ये रब दी रब का प्रगटावा नहीं है। रब का प्रगटावा तो है आचार जीवन दे, आचार जीवन दे सुख,
जीवन की रहनी बहनी एथिकल वे ऑफ लाइफ जे ये नहीं है फिर शब्द विचार भी नहीं है। गुर इनू ही महाराज कहते बिन शब्द है आचार ना किन ही पाया गुरमुख ओंकार सच समाया। ओंकार का मतलब उही सारा कुछ उदा ही रूप जे अंदर प्रगट हो जाए जिन्हों एक ओंकार जिदी सारी घालना है जिदी सारी कार है जे वो इसे वरत रहा है सारा नेम है उदा दिन का नेम है रात का नेम है सारा कुछ पवित्र है सब कुछ उत्थे साबित है जे इत्थे रब वरतेगा फिर इत्थे भी पवित्रता होएगी सब कुछ साबित रूप दे विच होएगा फिर कुचील ते महाराज जी कहंदे कुलीन नहीं होएगा जी। सलोक महला तीजा सावन सरसी कामणी गुर शब्दी विचार नानक सदा सुहागणी गुर कहेत अपार। सतारवीं पौड़ी दे नाल दे मजमून सावन उन्हां दे अंदर वसदा है जिन्हां दे अंदर कंत कंत दी याद वाहिगुरु दी याद है पर उन्हां दा सावन नहीं है जिन्हां दे अंदर अग है क्रोध दी अंदर अहंकार दी वासना दी उन्हां दे अंदर सावन नहीं है। सावन सरसी कामणी असीं पढ़दे हाँ चरण कमल स्यों प्यार जिहदे मन च प्रेम है इत्थे भी सावन सरसी कामणी गुर शब्दी विचार नानक सदा सुहागणी गुर कै हेत अपार उही सुहागण ने नहीं तो फिर मंझ कुचजी अमावण डोसड़ै हूँ क्यों शहर आवण जाऊं जियो एक दो एक चढ़ंदियाँ कौन जाना है मेरा नाओ जियो फिर सानू कौन पुछेगा जे गुरु दे शब्द नू ही नहीं टिकाया प्रेम ही नहीं पैदा होया जी। महला तीजा सावन दज्जै गुण बाहरी जिस दूजे पाए प्यार नानक पिर की सार न जानई सब शिंगार खुआर। कल भी विचार की सी गुणवंती गुण वीथर है अवगुणवंती चूर जे मिलिया पिर कामणी जे मिलिया प्रभ कामणी नह मिलिया पिर कूर मन दे अंदर कूड़ है ना ते फिर महाराज कहिंदे साड़ा ही है जे क्रोध है वाशनावां हैगियां फिर सावण आके भी चला जाएगा पर अंदर दी वाशना नहीं भाव संगत भी मिलेगी थोड़ा समा नाम जपण दा सुभाग भी मिलेगा। सावण दज्ज है दज्जै दा मतलब आग ही रहेगी अंदर अंदर विकार ही रहणगे गुण बाहर ही जिस दूजे पाए प्यार जे दुनियावी प्यार ही टिकया रहा वाशना पदार्थां दा ही टिकया रहा नानक फिर की सार ना जाननी सब सिंगार खुआर फिर वह किते हुए सारे हार शिंगार महाराज जी कहते खुआर ने जी। पौड़ी सच्चा अलख अपेओ हठ ना पति जई एक गावे राग परिया राग ना पी जई। कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर नहीं हर हर पी जय राम राजे क्यों जिना अंतर कपट बेकार है तिना रोए क्या कीजे। फिर अंदर महाराज कहंदे ते कूड़ भरिया होया मनो कुसुद्दां कालियां बाहर चिटवियां बाहरों ते असी बहुत बहुत ज़्यादा पसारा धर्म दा कीता पर अंदरों काले हाँ। एक सच्चा अलख अपेओ हठ ना पतीजे धक्का नहीं चलना भाई इत्थे इत्थे जिद नहीं है। पहली शर्त है कि गुरु के सामने जिद नहीं करनी बस प्रभु अग्गे जिद नहीं है बस हुक्म है अरदास करके बस उदी रजा मननी है। एक गावे है राग परियां राग ना भिजे कई राग रागिणियां दे नाल उस रब की प्राप्ति करना चाहुण पर ओ नहीं भिजदा जी। एक नच नच पूरे ताल भगत ना की जई एक अन्न ना खाहे मूरख तिना क्या की जई। नचण नाल मिलदा ते फिर कोलू चरखा चक्की चक थलवा रूलै बहुत अनंत लाटू मादाणियां अनगा पंखी पौंदियां लैण ना सा ये भी ते सब नची जा रहे ये ते भी सब भजी नची ना इन्हां दी चाल भी नचण वाली है। फिर सारे ब्रह्म ज्ञानी क्यों ना बन जाण जिन्हां दी गिणती कीती है। नचाउणा है ते मन नूं नचाईए गुरु दे हुक्म विच गुरु दी ताल विच गुरु दे नाच विच ये मन आ जाए नाच रे मन गुर कै आगे नहीं ते अपने नाच नचाउण नाल थोड़ी है। एक नच नच पूरे है ताल
भगत ना कीजे। वो भगत प्रवान नहीं है महाराज जी, कहें वो भगत पतीजिया नहीं जा सकता। अगे कहें एक अन्न ना खाहे मूँह रख, तिन क्या कीजे। अन्न त्यागण नाल थोड़ी रब मिलता है भाई, अन्न खाओ, वधिया सेहत बनाओ, इस देही को पाल, चंगा देही तुहाडी चंगी होए, चंगा चोकड़ा लाओ तुसी, बिना अन्न दे नाल ए रब दी प्राप्ति नहीं है जी। कृष्णा होई बहुत किवै ना तीजई, कर्म वधै कै लो खप मरी जई। कृष्णा अंदर अग वर्गी जल रही है, बहुत ज्यादा डाढ़ी तृष्णा है, किवें ना धीजई, किवें अंदर धीरज मिलेगा। कर्म वध है कह लो, बेअंत कर्म वधाते, मैं ये भी करके देख ला, वो सुनिया सी, ये भी कर लिए, ये भी कर लिए, इवें भी कर लिए। जिन्हें मर्जी भाई कर्म वधाई जाओ, कर्मा दे नाल अग नहीं खत्म होनी अंदर तृष्णा दी, वो तो होर ही जुगत है। कर्म वध है के लो खप मरी जई, बस खप खप के झुर झुर के फिर रोंदा ही है बंदा, कुरलाउंदा ही है जी। लाहा नाम संसार अमृत पी जई, हर भक्ति असने गुरमुख की जई। लाहा ते असल दे विच है भाई, नाम दे विच सारा संसार ही सुन ले, टिक जाओ। नाम की है, उहदे गुण ने, उहदी दसी हुई कार है, उहदी कालना है, जीवन जाच है, सुहिरदता है, सहज है, संतोख है। पहला अपना भला करिए, किवें गुरु दे गुणा नूं हिरदे विच वसाइए, दुनिया दा भला तुहाडे गुणा नाल ही हो जाएगा। चुप करके भी कोई भगत बह जाए ना, उहदी चुप विचों भी असीमता दे गुण निकलदे ने, उहदी चुप विचों भी कुदरत दी रूहानियत दे गीत निकलदे ने। इस करके यही सब तो वड्डा लाह है ना, दुनिया नूं दिखाउण वास्ते, दुनिया की भीड़ वास्ते कर्मा पखंडा विच पईए, आनंद वाला जीवन जीए। कोई दौड़ नहीं है इत्थे, कोई भेड़ चाल नहीं है इत्थे, सबर है भाई, सबर विच आ जाइए जीवन दे विच, थोड़ा चिर टिक जाइए जीवन नूं। बहुत भज लिया, बहुत भज नस हो गई, मन भी भज्जी जा रहा, तन भी भज्जी जा रहा, भाई थोड़ा सबर लईए, ये लाहा लईए नाम दा, इस वास्ते आए हाँ। लाहा नाम संसार अमृत पी जई, हर भगती असनेह गुरमुख की जई। गुरमुख दी कीती हुई कालना जेड़ी है ना, गुरु दे सन्मुख कीती हुई कालना, ओ है भगती नाल प्रेम, ओ है टिका जी। श्लोक महला तीजा, गुरमुख मलार राग जो कर है जपो, तिन मन तन शीतल होए, गुर शब्दी एक पछाणिया एको सच्चा सोई। असर मल्हार राग ये है, अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम आपने, ते फिर होंदा की है जे सच्चा ने लग जे, तन मन होए निहाल जा गुर देखा सामने। मल्हार दा मतलब राग नहीं, मल्हार दा मतलब है वाहिगुरु सतनाम, एक ओंकार हर आखो नारायण आखो, उहदी भगती भावें तू ही आखी जाओ, तू है तू होएगा। यही है गुरु दे सन्मुख जीती हुई शब्द जांच, जीती हुई मन दी दात, गुरमुख मल्हार राग जो करें इउं जो जपेगा, तिन मन तन शीतल होए, तन ते मन निहाल हुंदा है, ठंडा हुंदा है। गुर शब्दी एक पछाणिया एको सच्चा सोए, गुरु दे राहीं ज्ञान दे राहीं एक दी घालना कि वह है, वह हर थां ते है, उही वरत रहा है, यही सच्ची कालना यही सच्ची सिख्या है जी। मन तन सच्चा सच मन सच्चे सच्ची सोए, अंदर सच्ची भगत है सहजे ही पत होए। बाहरों किस तरह दे आसी ये नहीं इत्थे कबूल होता, इत्थे ते जिन पट अंदर बाहर गुदड़ अंदर भावें पट हो भाव वाहिगुरु, अंदरों भावें असी किहो जिहे भाव रेशम वर्गे होइए, बाहरों भावें गुदड़ होइए, गुदड़ दा मतलब भावें लीरा होण कोई ओ नहीं प्रवान, अंदर रेशम ते रेशम दे तुसी देखिया कि जद वो कीड़े भी रेशे निकलदे ते वो ऐ एक रस निकलदे है, एक तार निकलदी है बिना टुटे। पट दा मतलब है कि जद नाम निकलदा है ना, एक तार है, कथना कथीना आवै टूट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट, इउं पट इउं रेशम दी तरह वो नाम जपदा है कि एक लिव एक तार चलदी है बिना ही टुटे।
अखांडी। ये प्रवान है भाई, मन ते तन दे अंदर सच्ची सोए खबर है, सोई सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला नाम जपंदड़ी लाल। ये है अंदर सच्ची भगत है, सहजे ही पत हुए ये सहज भगती उन्हों त्याई जाना। दिन भी रात भी अंदर सच्ची पत भाव सच्ची इज्जत बनती है, जिन्हों कोई मलिया मेट नहीं कर सकता जी। काल युग में घोर अंधार है, मन मुख रहा ना कोई, सेवड भागी नानका जिन गुरमुख प्रगट होए। गुरु तो टुटिया गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुरु बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावे। मन दे पिछे तुरिया कोई राह नहीं लभदा भाई, बंदा किथे जाए। पर वो वड्डे भागा वाले हो तुसी, वो वड्डे भागा वाले ने। धन गुरु नानक साहब जी, गुरु अमरदास जी कहिंदे जिहड़े गुरु दे सन्मुख प्रगट हुंदे, भाव अपने मन दी इबादत मन राही मन नूं टिकाउण दा जतन करदे ने जी। महला तीजा जपो सारे इंद वरसै कर दया, लोका मन उपजै चाओ जिसकै हुकम इंद वरसदा, तिस कै सद बल हारे जाऊं। बारो मी वरसदा ते बार मुखी रोग बार वेख के खुश होंदे ने, पर भगत जन भगती दी थां इबादत गाह विच आके गुरु दे सन्मुख आके नाम अमृत दी वरखा नूं वेख के खुश होंदे ने उस दे हुकम दे विच, क्योंकि वह समझदे ने कि नाम उहदे हुकम च वरसदा पिया, असी गुरु तो बलहार जाइए जी। गुरमुख शब्द संभाली है सच्चे के गुण गाओ, नानक नाम रते जन निर्मले सहजे सच समाओ। गुरु दे सन्मुख शब्द नूं हिरदे विच वसाइए, सच्चे प्रभु दे गुण गाई जाइए, नानक नाम रते जन निर्मले सहजे सच समाओ। पता ही नहीं लगता अज आए हाँ, अज मन टिकया, कल तो जीवन दे अर्थ ही बदल गए, कल तो जीवन अमृत सरशार हो गया, भरपूर हो गया, सहज आ गया। सहज का मतलब ये पता ही नहीं होता किस वेले किस ते कृपा हो जाए। गुरु दे सन्मुख बहुत वड्डिया बरकतां बख्शिशां वरतदियां ने जी। पौड़ी पूरा सतगुर सेव पूरा पाया, पूरे करम ते आए पूरा शब्द मन वसाया। सच्चे सतगुरु नूं सेवियो भाई, कच्चियां दे पिछे ना तुर पयो, कच्चियां दे पिछे तुरिया कच्च ही मिलदा है, सच्चियां दे पिछे तुरिया कच्च हो कंचन करे कहे पयो, ये कच्च नूं भी कंचन करन वाला है। शब्द गुर सरबण है सुनियो, कहिंदे फिर बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख भण्यो, लोहो हो लाल नदर सतगुर जद धारै, पाहण माणक करै ज्ञान गुर कहो विचारै, काठो श्रीखंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए, सतगुरु चरण जिन परसिया से पश प्रेत सुर नर पए, कच्चियां पिछे ना तुर पयो। ये ना कहो कि नहीं जी उत्थे भी बाणी चलदी उत्थे भी, ना ना ना, पर पूजिया ते देही नूं जांदा है ना, जिहड़ा अदेही अकाल नूं पूजदा है वह है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। वो गुरु तो बिना होर कोई इस सवेरे भी बेनती की सी दास ने, अज भी सतगुरु जी की पौड़ी आ गई, पूरा सतगुर सेव पूरा पाया, पूरे दे गुण गावांगे पूरे दी प्राप्ति है, पूरा कर्म ध्याए पूरा शब्द मन वसाया, पूरे दे दिते हुए साढ़े जेडे गुण ने वो जे कमाउणा शुरू कर दिता, तो पूरे सतगुर दे राही पूरे शब्द नूं मन विच वसाया जा सकदा है जी। पूरे ज्ञान ध्यान मैल चुकाया, हर सर तीरथ जान मनवा नाया। पूरा ज्ञान ते ध्यान संगत विच जुड़दा है, उत्थे मैल उतरदी है, ये हर सर तीरथ है, रब दा तीरथ है, इनू मन करके जान लै, इत्थे ही मन दा इशनान हुंदा है जी। शब्द मरे मन मार तन जनेंदी माया, दर सच्चे सच्यार सच्चा आया। जिहड़ा शब्द विच मन नूं मार लेंदा है उहदी मां भी धन है जिन्हें उहनूं जन्म दिता, तिन धन जनेंदी मां ओह आए सफल से, दर सच्चे सच्यार सच्चा आया, उहदा आउणा सफल है, प्रमाण है जिहड़ा अपने मन नूं सच्यारता वाले पासे तोड़दा है।
ਕਿਹੜਾ ਸਚਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੁੱਛ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ ਜਾਂ ਖਸਮੈ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਲਾਹੇ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਦ ਖਸਮ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਜਿਗਿਆਸੂ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਲਾਹੇ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ, ਉਹੀ ਜਪਦਾ, ਉਹੀ ਸਿਫ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਮਸਤਕ 'ਤੇ ਲਿਲਾਟ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਹੈ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। 5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਵੱਧ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। 1-2-3 ਤਰੀਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 84 ਦਾ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ, ਇਹ 3 ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਘਾਲਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸਮਾਗਮ ਲਈ, ਸੋ 1/2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਸਾਰੇ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇ ਅਰ ਪੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਸੂਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸ ਹੈ, ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸ ਹੈ, ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰੇ ਉਤਰੀਐ, ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੈ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀਐ। ਰਹਾਉ ਕੋਟ ਤੀਰਥ ਮੱਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਇਸ ਕਲ ਮਹਿਮੈਲ ਪਰਿਜੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲੀਜੈ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਸਭ ਸ਼ਾਸਤ, ਇਨ ਪੜਿਆ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੈ,
तिसकी निर्मल सोई। खत्री ब्राह्मण शूद वैश उपदेश चौवर ना काओ सांझा। गुरमुख नाम जपे उदरे सो कल मह घट घट नानक माझा। खत्री ब्राह्मण शूद वैश उपदेश चौवर ना कहो सांझा। गुरमुख नाम जपे उधरे सो कल मह घट घट नानक माझा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोहेला राग गौड़ी दीप की महला पहला इको ओंकार। सतगुरु प्रसाद जय कर कीरत आखिए करते कौए बीचारो। तित कर गावो सोहेला सिमरो सिरजनहारो। तुम गावो मेरे निरपो का सोहेला हो वारी जिस सोहेले सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े समालियन देखेगा देवनहार। तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कौन शुमार। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सजने सीसड़ियां। जो होवे सैब सुमेल कर कर हो पाहुचा। सदड़े नित पावन सदनहारा सिमरिए नानक से दे आवन। राग आसा महला पहला छे घर छे गुर छे उपदेश गुर गुर इको वेश अनेक। बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए रहाओ। विश्वे चस्या कड़िया पहरम थिती ही वारी महा हुआ। सूरज को रुते अनेक नानक करते के केते वेश। राग तनासरी महला पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने। तारिका मंडल जनक मोती धूप मलिया लो पवन चवरो करे। सगल बनराए फूलंत ज्योति कैसी आरती होए। पवखंड न तेरी आरती अनहता शब्द वजंत पेरी रहाओ। सहस तव नैन नन नैन है तोहे कौ। सहस मूरत नना एक तोही। सहस पद बिमल नान एक पद गंध बिन। सहस तव गंध